दुर्ग जिला जूडो एसोसिएशन के तत्वावधान में एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश जूडो संघ के मार्गदर्शन में भिलाई शहर में 2024-25 में राज्य स्तरीय जूडो चैंपियनशिप का आगाज रविवार को किया गया, जिसमें प्रदेश के लगभग सभी जिलों से 250 खिलाड़ियों एवं निर्णायक गणों ने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ प्रदेश जूडो संघ के तत्वावधान में दुर्ग जिला जूडो संघ द्वारा 24वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर, कैडेट, जूनियर एवं सीनियर जूडो प्रतियोगिता 2024-25 का उद्घाटन समारोह वैशाली नगर विधानसभा के विधायक रिकेश सेन के मुख्य आतिथ्य में, नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल की अध्यक्षता में और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष जनाब बशीर अहमद खान, साथ ही विलियम लकड़ा, सहायक संचालक खेल एवं युवा कल्याण विभाग दुर्ग के विशेष आतिथ्य में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। तत्पश्चात मुख्य अतिथियों ने अपने उद्बोधन में कहा कि जूडो खेल बच्चों के चरित्र निर्माण का सबसे अच्छा माध्यम है और खेल बच्चों को अपराध की दुनिया में कदम रखने से बचाता है एवं देश के भविष्य को सशक्त बनाता है। ये सौभाग्य का विषय है कि मैं विधानसभा में हो रहा है, प्रदेश भर से बच्चे आए हुए हैं। अरुण द्विवेदी जी को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, जिनके अंदर एक जुनून है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत कम उम्र से मैंने अरुण द्विवेदी जी को देखा है, उनके जेब में पैसे भी नहीं रहते, उसके बावजूद भी वो हमेशा बच्चों को आगे बढ़ाने में लगे रहता, अपना जीवन इसी में उन्होंने लगा दिया है और अपनी जो पूंजी है वो भी बच्चों के प्रतिभा को आगे बढ़ाने में उन्होंने लगाया है, उन्हें साधुवाद देता हूँ। ऐसे व्यक्तित्व जो है बहुत कम किसी शहर में होते हैं और उन्होंने जिस प्रकार से आज के समय में जो बच्चे हैं नशे की ओर बढ़ रहे हैं, अपराध की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे समय में उनको खेल के प्रति जागरूकता लाना कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। मैं पूरे जूडो संघ के सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूँ, खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और उनको लगातार एक नए आयाम को छुए और उनका शरीर भी हमेशा इस खेल से स्वस्थ रहेगा। आज के समय में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं शारीरिक फिटनेस को लेके, उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। देखिए, बहुत ही हर्ष का विषय है कि छत्तीसगढ़ स्तरीय जो टूर्नामेंट यहाँ हो रहा है जूडो का, ये लगातार जूडो खेल से इस भिलाई को, भिलाई के बच्चों को नाम मिला है, प्रदेश में, देश में पहचान मिली है, इस शहर की पहचान बनी है और लगातार ये प्रतियोगिताएँ होती रहती है। जूडो संघ जो छत्तीसगढ़ जूडो संघ है, मैं इस भिलाई की ओर से उस जूडो संघ का आभार व्यक्त करता हूँ, विशेषकर अरुण द्विवेदी जी जो लगातार कई वर्षों से इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ के बच्चों को उचित मंच दिलाने के लिए लगातार उनका प्रयास रहता है और इस ऐसी छत्तीसगढ़ स्तरीय हो या देश के स्तरीय हो, प्रतियोगिताओं से बच्चों को अच्छे भविष्य की दिशा मिलती है। 24वीं जूडो स्टेट चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हो रहा है और इसमें जो बच्चे पूरे राज्य के, पूरे जिलों के बच्चे, इसमें लगभग 270 बच्चे पार्टिसिपेशन कर रहे हैं और इसी में से भी टीम का सिलेक्शन होगा, फिर बाद में ट्रेनिंग देके नेशनल टीम में भेजी जाएगी। अपन जो जनरल पर्सेंट है अभी और ये बड़े एक्टिव रहते हैं, हर साल इनका टूर्नामेंट होता है, हर साल ये अपनी तैयारी करते हैं और मुझे आशा है कि जल्द से जल्द अभी मेडल भी बहुत आए हैं और आने वाले भविष्य में इनको और मेडल मिलेगा। भिलाई में हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है, भिलाई तो स्पोर्ट्स का गढ़ है और विशेषकर जूडो संघ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छी चीज़ है। और जूडो संघ के सभी सदस्य, अरुण द्विवेदी और सब सभी कोचेस हैं यहाँ, सब लोग अच्छा बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहूँगा कि अपने लक्ष्य पूर्ति करने के लिए मेहनत करें और लक्ष्य पूर्ति के लिए मेहनत के बगैर कुछ नहीं। 24वें राज्य स्तरीय जूडो चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह के बाद खिलाड़ियों ने अतिथियों को कुछ डेमो दिखाए, जिससे अतिथि अचंभित भी हुए और उत्साहित भी नजर आए। तत्पश्चात खिलाड़ियों के एकल मैच भी प्रारंभ किए गए, जिसमें हर प्रतिभागी अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़ने की होड़ में नजर आया। सभी खिलाड़ी अपना बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर इस चैंपियनशिप में जीत हासिल करना चाहते हैं, ताकि वह आने वाले राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करके छत्तीसगढ़ का परचम राष्ट्रीय स्तर पर फहरा सके। आयोजन की जानकारी प्रदेश जूडो संघ के अध्यक्ष अरुण द्विवेदी ने मीडिया को उपलब्ध कराई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश जूडो संघ सन 2000 से नियमित राज्य के बच्चों के लिए राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन करता रहा। कोरोना काल में भी हमने इस तरह से प्रयास किया कि उन बच्चों को उनके क्षेत्रों में, घरों में
किस तरह की व्यवस्था की जाए कि उनको प्रतियोगिता जैसे माहौल मिल सके, उसी के तारतम्य में ये 24वीं राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता हो रही है जो सब जूनियर कैडेट जूनियर एंड सीनियर वर्ग की है। इसमें लगभग 350 बच्चे 23 जिलों से आए हुए हैं, 2 यूनिट भी हैं। इस प्रतियोगिता में काफ़ी अच्छे रेफरीज हैं जो इस प्रतियोगिता का संचालन कर रहे हैं। प्रतियोगिता के लिए राज्य संघ ही अपनी तरफ से सारी व्यवस्था कर रही है। इस समय प्रदेश शासन से हमारे संघ को कोई सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं, परंतु हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं। प्रदेश संघ ने हमको अकादमी की घोषणा की हुई है, अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि वो अकादमी कब बनेगी, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। प्रतियोगिता में कितने जिले से बच्चे आए हुए हैं? 23 जिलों से बच्चे आए हुए हैं, 2 यूनिट है, BSP और SEC। उद्घाटन समारोह के पश्चात छत्तीसगढ़ प्रदेश जूडो संघ की वार्षिक आम सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के पर्यवेक्षक एवं फेंसिंग संघ के सचिव बशीर अहमद खान, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के पर्यवेक्षक विलियम्स लगड़ा, सहायक संचालक दुर्ग विशेष रूप से उपस्थित थे। साथ ही इस उद्घाटन समारोह में छत्तीसगढ़ प्रदेश के 25 जिलों के अध्यक्ष एवं सचिव उपस्थित रहे। ACN न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।